सो हेलो दोस्तों यार, कैसे हैं सब? आई होप सब बढ़िया से होंगे। हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके जिसमें बैटल रहेगा तीन बाइक्स के बीच में। पहली बाइक है हमारे पास बजाज की तरफ से 125 BS6, दूसरी बाइक है हमारे पास हीरो की तरफ से ग्लैमर 125 BS6 और तीसरी बाइक है हमारे पास होंडा की तरफ से SP शाइन 125 BS6। तीनों ही बाइक्स BS6 नॉर्म्स के साथ लॉन्च हो चुकी हैं और अब तो ये रोड के ऊपर काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही हैं। 125 cc से ये तीनों मैन्युफैक्चरर की बाइक जो हैं मोस्ट सेलिंग रही हैं। पल्सर 125 की बात करते हैं दोस्तों, तो 125 cc में सबसे पावरफुल बाइक है ये बजाज की तरफ से, और अब तो इसका जो स्प्लिट सीट वेरिएंट है वो भी काफ़ी धूम मचा रहा है मार्केट के अंदर। वहीं पे अगर बात करते हैं यहाँ पे हीरो ग्लैमर BS6 की, तो दोस्तों ये जो हीरो की बाइक्स हैं, लो मेंटेनेंस कॉस्ट और इजी सर्विस, ये कहीं पे भी आप रोड साइड पे कहीं पे भी आराम से इनको सर्विस जो है वो करवा सकते हैं। बात करते हैं अगर होंडा SP शाइन की, तो जब से ये बाइक लॉन्च हुई है दोस्तों, मतलब इसकी फीचर्स जो हैं इतनी फुली लोडेड फीचर्स आपको इसमें मिलती हैं। तो अब यहाँ पे तीनों ही बाइक्स की जो है कंपैरिजन कर लेते हैं ऑन पेपर जो है क्या कहती हैं इनकी कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एक्स्ट्रा फीचर्स की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो पल्सर में आपको हैलोजन हेडलाइट LED टेल लाइट मिलती है, ग्लैमर में आपको हैलोजन हेडलाइट LED टेल लाइट, वहीं पे आपको SP में LED हेडलाइट हैलोजन टेल लाइट। तो यहाँ पे क्लियरली विनर है लाइट के मामले में आपकी SP125 जो है। चलते हैं इनके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ, क्या क्या जानकारियाँ जो आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है आपको बजाज पल्सर 125 में, जिसमें ट्रिप मीटर, ऑडियोमीटर, फ्यूल गेज, ये जो हैं आपको जानकारियां मिल जाती हैं। ग्लैमर में सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, जिसमें ट्रिप मीटर, ऑडियोमीटर, मतलब सेम ही रहेगा 125 पल्सर की तरह। SP125 में फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी, एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, गियर इंडिकेटर भी यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद इंजन किल स्विच, साइलेंट स्टार्ट, ACG मोटर, तो मतलब फुली लोडेड है SP125। ब्रेक्स की तरफ चलते हैं, तो पल्सर 125 में 170 mm का ड्रम जो है फ्रंट में, 240 mm की डिस्क, और रियर में 130 mm का ड्रम ये ऑप्शनल रहता है। वहीं पे ग्लैमर में 130 mm की ड्रम और 240 mm की डिस्क जो है, 130 mm की ड्रम जो है रियर में मिल जाती है। तो यहाँ पे जो ब्रेकिंग है वो आपको मिलेगी पल्सर 125 में। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम आपको पल्सर 125 में, ग्लैमर में आपको IBS इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है ग्लैमर में। SP125 में भी CBS कॉम्बी ब्रेक सिस्टम यहाँ पे मिल जाता है। सस्पेंशन की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक ट्विन गैस चार्ज, रियर में पल्सर में, ग्लैमर में मिलेगा आपको टेलीस्कोपिक और 5-स्टेप एडजस्टेबल रियर में, और सेम मिल जाता है SP125 में टेलीस्कोपिक और रियर में 5-स्टेप एडजस्टेबल। उसके बाद टायर्स की बात करते हैं, 80-117 और रियर में 100-90-17 पल्सर 125 में, ग्लैमर में 80-117 100-80-17 का रियर में, और SP125 में आपको मिलता है 80-117 और 80-117 ही रियर में। तो यहाँ पे जो टायर्स हैं वो आपको पल्सर 125 में बेस्ट मिलते हैं, रियर में काफ़ी चौड़ा टायर मिल जाता है। व्हील बेस की बात करते हैं, 1320 mm का व्हील बेस रहेगा पल्सर में, ग्लैमर में 1273 mm का और SP125 में 1285 का। तो व्हील बेस में भी यहाँ पे पल्सर 125 जो है आपकी स्टेबिलिटी जो है व्हील बेस की वजह से अच्छी रहेगी। सीट हाइट की बात करते हैं दोस्तों, तो पल्सर 125 में आपको 790 mm और ग्लैमर में 793 mm और SP125 में 790 mm। तो यहाँ पे जो सीट हाइट है वो ज़्यादा मिलती है आपको ग्लैमर में। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं, तो आपको 165 mm की पल्सर में और 180 mm की आपकी हीरो ग्लैमर की और 160 mm की SP125 की। तो ग्लैमर में आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे इंजन की, तो पल्सर में आपको मिलता है 124 एयर कूल सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक 2-स्पार्क DTSI इलेक्ट्रॉनिक इंजेक्शन है, यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन नहीं है, और ग्लैमर में 124.7 एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ ग्लैमर, और 124 एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक SI प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसके इंजन की जो है पावर 8.83 किलोवाट 8500 RPM पे पल्सर 125 में, और 8 किलोवाट 7500 RPM पे ग्लैमर की, और SP125 की रहेगी 8 किलोवाट
7500 RPM पे। तो यहाँ पे पावर जो है वो आपको पल्सर 125 में ज़्यादा मिल रही है। उसका टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क जो है आपको 11 Nm का 6500 RPM पे पल्सर में, और ग्लैमर में 10.6 Nm का 6000 RPM पे, और SP125 में 10.9 Nm का टॉर्क जो है 6000 RPM पे मिल जाता है। तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो आपको ज़्यादा मिल रहा है पल्सर 125 में। गियर्स की बात करते हैं तो 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स आपको तीनों ही बाइक्स में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अगर माइलेज की, तो पल्सर 125 जो माइलेज, वैसे तो जो कंपनीज हैं जो क्लेम करती हैं ये अपने हाथ में होती है, माइलेज 60 से 70 जो है वो कर रही है पल्सर, और 70 से 80 दोनों ही ग्लैमर और SP125 क्लेम करती है। तो माइलेज जो है इन दो बाइक्स में आपको ज़्यादा मिलेगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 15 लीटर का आपका पल्सर का सबसे ज़्यादा, और 10 लीटर का आपका ग्लैमर का, और 11 लीटर का SP125 का। ओवरऑल वेट की बात करते हैं बाइक की तो 140 kg जो है वो आपको पल्सर 125 में, और यहाँ पे ग्लैमर में आपका 123 मिलता है डिस्क वाले वेरिएंट में, और SP125 का 118 kg। तो मतलब यार मेटल बॉडी कहाँ पे लगी है पल्सर 125 में, सबसे ज़्यादा मेटल बॉडी जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे हल्की बाइक जो है वो आपको SP125 मिलेगी। लेंथ पल्सर 125 2055 mm, ग्लैमर 2051 mm, और SP125 2020 mm। तो लंबी जो है वो आपको 2055 mm के साथ पल्सर 125। विड्थ की बात करते हैं यहाँ पे तो 755 mm रहेगी आपकी पल्सर, 720 ड्रम और डिस्क, 743 mm आपकी ग्लैमर, और SP125 जो है वो 785 mm विड्थ के साथ यहाँ पे ग्लैमर जो है वो ज़्यादा विड्थ मिल रही है। हाइट की बात करते हैं ओवरऑल तो 1060 mm रहेगी पल्सर 125, 1074 mm रहेगी ग्लैमर, और 1103 mm SP125 रहेगी यहाँ पे। तो हाइट जो है वो कम मिलेगी आपको पल्सर 125 में। बाकी कलर हैं ये पल्सर के, जैसे कि ब्लू, रेड, ग्रे, और उसके बाद आपके ग्लैमर के, और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये कलर तो यार, जैसे कि ब्लैक विद रेड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और SP शाइन के जो कलर हैं इनमें से ब्लू जो है वो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। प्राइस की बात करते हैं यहाँ पे तो पल्सर का जो ड्रम वेरिएंट का 69,997, डिस्क वाला 74,118, ग्लैमर जो है 68,900 ड्रम और 72,400 डिस्क। उसके बाद SP125 जो है ड्रम वाला 73,452 और डिस्क जो है 77,652। तो प्राइस के मामले में जो पल्सर है और ग्लैमर है ये सेम ही है, लेकिन SP125 का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी पल्सर परफॉर्मेंस लो प्राइस और कंपेयर टू SP125, और ग्लैमर जो है वो माइलेज में ज़्यादा है। बाकी SP125 माइलेज प्लस फीचर, अब डिसीजन आपका है, पैसा आपका लगेगा। तीनों में से कोई सी भी लेंगे आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, पैसा वसूल रहेगा। तीनों ही बाइक्स जो हैं वैल्यू फॉर मनी है दोस्तों।